नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जोशी हमारे और आपके चैनल, आपके अपने चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन GGRTL ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम एक बहुत खास चीज लेके आए हैं, खास इत्र लेके आए हैं जो नेचुरल है और असली है, और ये बहुत सारी आयुर्वेदिक वस्तुओं में काम आता है, तमाम बीमारियों में भी काम आता है। तो मिट्टी का इत्र है जो मिट्टी में से बनाया जाता है, सैंडलवुड ऑयल इंक्लूड करके भट्टी में डाल के और मिट्टी की खुशबू निकाली जाती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आप हमारे चैनल पे हैं, आप देख रहे हैं, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारी हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो बिना रोक टोक के मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सब्सक्राइब करने के बाद, और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। ये आप जो देख रहे हैं हमारे सामने, ये मिट्टी का इत्र है, और ये जो इत्र होता है दोस्तों, ये बहुत ही दुर्लभ इत्र है। ये देखिए आप, इसकी सुगंध ऐसी है कि जो मिट्टी में सुगंध आती है ना, जैसे पहली बरसात जब पड़ती है, तो पहली बारिश पड़ती है ना जब, तो जमीन में से सुगंध आती है, बहुत वो सुगंध। तो मिट्टी का इत्र जो है ना दोस्तों, ये हम जो बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, चंदन का तेल लेते हैं, सैंडलवुड ऑयल, उसके अंदर मिट्टी, पहली बरसात की मिट्टी वो उठाई, उसके अंदर डाली, और उसके बाद डेक के अंदर डाल देते हैं, और पूरा का पूरा डेक पैक कर देते हैं। उसके ऊपर एक पाइप लगा रहता है वास का, सब ऑर्गेनिक तरीके से ही होता है, तो वास का पाइप लगा होता है, तो नीचे पानी के अंदर एक भपका होता है, तो उसके कलश के अंदर नीचे आग जलाते हैं, तो गर्मी से मिट्टी की सुगंध चंदन के थ्रू होते हुए भवके में आ जाती है, फिर भवके को ठंडा किया जाता है, क्योंकि उसको पानी में रखा जाता है, भाप होती हो तो भाप को ठंडा किया जाता है, उसके बाद ही मिट्टी के इत्र का निर्माण होता है। और मिट्टी का इत्र दोस्तों है ना, इसको लगाने से आज बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदों में से एक है कि जिसको अनिद्रा की बीमारी हो, जिसको नींद नहीं आती हो, तो वो रात को सोते समय तकिए पे थोड़ा एक टीपा सा लेके ऐसा तकिए पे आप लगा लो, इस तरीके से तकिए पे, और लगा के आप सो जाओ, अच्छी नींद आएगी और अच्छी तरह सुबह में आँख भी खुलेगी। दूसरा, अस्थमा की जो बीमारी है लोगों को, वो मिट्टी का इत्र अगर लगाते हैं, सूंघते हैं, तो वो अस्थमा की बीमारी में बहुत राहत मिलती है। उसके बाद जो आधा सीसी का जो दर्द होता है, वो लोग अगर इसको इधर माथे पे लगाते हैं, इधर साइड में, और नाक पे लगा के सूंघते हैं, तो उनको आधा सीसी के दर्द में राहत मिलती है, और श्वास लेने में तकलीफ है, लम्स की तकलीफ है, तो इसका इत्र की, मिट्टी के इत्र की सुगंध लेने से बहुत सारा इफेक्ट आपको पड़ता है। और भी बहुत सारे इसके गुण हैं, ये मिट्टी का इत्र किसी बच्चे की, जैसे गर्मियों के अंदर होता है कि नाक से खून निकल आता है, तो वो बच्चे को आप बतासा लो, बतासा जो इसको पतासा भी बोलते हैं, वो बतासे के ऊपर एक टीपा रख के मिट्टी के इत्र का उसको खिला दो, उसको कभी भी नाक नहीं खुलेगी, बराबर। बहुत सारे इसके फायदे हैं। और दूसरा, ये पूजा सेवा में भी यूज होता है सभी देवों को, क्योंकि मिट्टी तो जो ऊपर के देव हो या जमीन के देव हो या पाताल के देव हो, मिट्टी तो सबको प्रिय, और हर कोई भी गुरु हो, कोई भी ईश्वर हो, सबको मिट्टी से तो लगाव होता है, और मिट्टी सबको प्रिय होती है, इसके लिए पूजा सेवा में भी मिट्टी के इत्र का आप उपयोग करते हैं तो देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, और वैष्णव संप्रदाय में तो मिट्टी के इत्र का खास वो है कि भगवान को मिट्टी का इत्र चढ़ाया ही जाता है। तो दोस्तों, असली मिट्टी का इत्र आप हमसे प्राप्त करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ दिया हुआ है, आप हमें फ़ोन करके हमसे मंगवा सकते हैं, हम आपको आपका पेमेंट आते ही कोरियर कर देंगे। आप पेमेंट हमें जीपे अथवा कोई भी UPI यूज़ करते हैं उसके माध्यम से आप हमें पेमेंट कर सकते हैं, अथवा बैंक में हमारे को डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप भारत में रहते हैं तो 3 से 4 दिन में हमारा कुरियर आप तक पहुंच जाता है, और विदेश में रहते हैं तो 8 से 10 दिन तक हमारा कुरियर आपके वहाँ डिलीवर हो जाता है, घर बैठे सकुशल, सेफ एकदम। और दूसरा, जो नॉर्थ ईस्ट है, डिब्रूगढ़, आसाम, उधर क्या है, उधर 2-3 दिन ज़्यादा लगते हैं पहाड़ी एरिए की वजह से, तो वहाँ 6 से 7 दिन में हो जाता है। तो दोस्तों, आप अगर असली मिट्टी का इत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें, हम आपको तुरंत आपको डिलीवर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो। नमस्कार।